प्रिय विद्यार्थियों, हम गांधी दर्शन पढ़ रहे हैं और गांधी दर्शन के अंतर्गत हमने उनका प्रारंभिक जीवन पढ़ा। दक्षिण अफ्रीका में बुराइयों के खिलाफ उन्होंने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष को समझा और उसके बाद भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका का मूल्यांकन किया। हमें पढ़ना तो गांधी दर्शन है। आप कह भी सकते हैं कि हम सीधे सीधे दर्शन पर क्यों नहीं आए। हमने गांधी जी के सत्य की, गांधी जी के अहिंसा की, हमने गांधी जी के धर्म की, गांधी जी की राजनीति की, गांधी जी के ईश्वर की बातें क्यों नहीं की। इसीलिए नहीं किए कि पहले हम गांधी जी के कामों की एक झलक देख लेना चाहते थे। वैसे तो गांधी जी ने अपने जीवन में जितना काम किया है, उस काम को पढ़ने के लिए, उस काम को समझने के लिए किसी व्यक्ति का एक जीवन पर्याप्त नहीं हो सकता, लेकिन उन कामों की एक झलक हमने इसलिए देखी कि हम उनके दर्शन को समझ सकें। आज हमारा जो विषय है वह है गांधी जी की दृष्टि में धर्म और राजनीति के बीच क्या संबंध है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। इस विषय की आपको समझ होनी चाहिए और जहां कहीं भी कहना पड़े, जहां कहीं भी बोलना पड़े, जहां कहीं भी लिखना पड़े, जहां कहीं भी खुद को अभिव्यक्त करना पड़े धर्म और राजनीति के मामले में, तो आप गांधी जी का उदाहरण दे सकें, गांधी जी को संदर्भित कर सकें कि यह गांधी जी ने कहा है, धर्म ऐसा होना चाहिए, राजनीति ऐसी होनी चाहिए और धर्म और राजनीति के बीच में इस तरह का संबंध होना चाहिए। क्योंकि इस देश में आज सबसे बड़ी जो चुनौती है वह यही है कि लोग धर्म की अवधारणा को नहीं समझ रहे, लोग राजनीति के मूल्यों को नहीं समझ रहे और इसी कारण धर्म और राजनीति को आपस में मिलाकर और नेतृत्व करने वाले लोग अपना हित साधन करते हैं। इतिहास के एक जागरूक विद्यार्थी को धर्म का अर्थ मालूम होना चाहिए, राजनीति का अर्थ मालूम होना चाहिए, धर्म और राजनीति के बीच संबंध क्या है यह मालूम होना चाहिए और गांधी जी की दृष्टि में वह संबंध क्या है इसकी विशेष जानकारी उसको होनी चाहिए, क्योंकि वह इतिहास का विद्यार्थी है। अब पहली बात तो मैं यह करूंगा कि धर्म क्या होता है। क्या धर्म हिंदू है, क्या धर्म मुस्लिम है, क्या धर्म ईसाई है, क्या धर्म सिख है, क्या धर्म जैन है, क्या धर्म पारसी है या और भी कुछ है। सरल सी बात करता हूं और उस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में हम गांधी जी की धर्म के बारे में क्या राय है उस राय को समझेंगे। देखिए, पानी है, इस पानी की प्रकृति क्या है। पानी की प्रकृति के भी कई आयाम हो सकते हैं उसको समझने के, लेकिन एक सरल सी बात यह है कि पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है।
कभी पानी बिना प्रेशर लगाए नीचे से ऊपर नहीं जाता। इंसान की प्रकृति, इंसान का स्वभाव मूलतः बुराई से अच्छाई की ओर जाने का होता है। जब से इंसान सभ्य हुआ है, वह जंगलों से बाहर निकलकर एक सामाजिक जीवन जीने लगा है, तब से वह अच्छाई की ओर ही बढ़ रहा है। वह बुराई की ओर तब जाता है जब उस पर कोई दबाव बनता है। वह दबाव उसके स्वार्थ का भी हो सकता है, उसके मोह का भी हो सकता है, उसके लालच का भी हो सकता है। अब चाहे वह इंसान भारत में रह रहा हो, चाहे वह इंसान अमेरिका में रह रहा हो, चाहे वह इंसान ब्रिटेन में रह रहा हो, चाहे वह इंसान दक्षिण अफ्रीका में रह रहा हो, चाहे वह इंसान चीन में रह रहा हो, दुनिया में कहीं भी रहने वाले इंसान की प्रकृति यह होनी चाहिए कि वह बुराई से अच्छाई की ओर बढ़े। अब आप कहेंगे कि बुराई आई ही क्यों, वह एक अलग प्रश्न है। कभी समय मिलेगा और जब हम धर्म के विकास की बात करेंगे, धर्म के संस्कार की बात करेंगे इस दुनिया में, तब मैं आपको इसका विस्तार समझाऊंगा। अभी आप ये समझिए कि मनुष्य का स्वभाव हमेशा शुभ की ओर जाता है। मान लीजिए कि वो अशुभ जानता ही नहीं है, वह बुराई जानता ही नहीं है, एक बार यह मान लीजिए। पानी नहीं जानता कि उसको ऊपर चढ़ना है, ऊपर जाना है, वह तो एक ही चीज जानता है कि नीचे बहना है। तो भले ही आप बुराई का नाम ले लें, भले ही आप अशुभ शब्द न बोलें, आप यही कह दें कि इंसान का स्वभाव है, इंसान की प्रकृति है, इंसान ने सभ्य होने के साथ साथ यही सीखा कि हमें अच्छाई की ओर आगे बढ़ना है, हमें शुभ की ओर आगे बढ़ना है। और दुनिया के सभी इंसानों ने यही सीखा। ये जो देशों की सीमाएं हैं, ये जो मानचित्रों पर रेखाएं बनी हुई हैं, ये तो बाद में हुई हैं। उसके पहले ही इंसान ने अच्छाई की ओर, शुभ की ओर, भले की ओर बढ़ना सीखा था। जैसे भारत की नदी है गंगा, किसी देश की नदी हो सकती है वोल्गा, किसी देश की नदी हो सकती है अमेजन, किसी देश की नदी हो सकती है टेम्स, कहीं की भी नदी हो सकती है, किसी देश की नदी नील भी हो सकती है। हर देश की नदियां पानी को ऊपर से नीचे की ओर लेकर जाती हैं। दुनिया की सारी नदियां जैसे ढाल में बहती हैं, वैसे ही इंसान का स्वभाव शुभ की ओर जाता है, गुड की ओर जाता है। और जहां इसमें व्यवधान पैदा करते हैं हम, वहीं बुराई आनी शुरू हो जाती है। नदियों पर हम बांध बनाते हैं, ऐसे ही इंसान अपने मन पर बांध बनाता है और उसमें चूक होती है तो परिणाम अच्छे नहीं होते। तो यह जो स्वभाव है, चाहे वह मनुष्य का स्वभाव है, चाहे वह जल का स्वभाव है, यह स्वभाव ही धर्म है। एक दूसरे उदाहरण से समझ लीजिए। ऋग्वेद में
एक बात कही गई है कि यह पूरी सृष्टि अपने निश्चित नियम के अनुसार चलती है। आप प्रकृति को अपने नियम के अनुसार नहीं चला सकते। यद्यपि इंसान की प्रगति का इतिहास यही है कि वह प्रकृति के साथ चलने के बजाय प्रकृति के विरोध में चलने लगा, लेकिन ऋग्वेद कहता है कि यह पूरी सृष्टि एक नियम के अनुसार चलती है, सब कुछ उस नियम के अनुसार होता है, चाहे वह तारों का टूटना हो, चाहे वह सूरज का प्रकाश देना हो, चाहे वह पृथ्वी का घूमना हो अपनी जगह पर भी और सूरज के चारों ओर भी, यह सब तय है। और यह सब तय है ऋत नियम के अनुसार। ऋत नियम कुदरत का, प्रकृति का, सृष्टि का नियम है। सब चीजें उसके अनुसार होती हैं। और हम इंसान इतने श्याणे हो गए, इतने समझदार हो गए कि वह जो ऋत नियम है उसको भंग करने की कोशिश करते हैं। वह ऋत नियम ही धर्म है, आप इसे यूं समझ लीजिए। क्योंकि प्रकृति अपने आप में कुछ भी अशुभ नहीं करती, वह अपनी गति से चलती है। सागर में ज्वार आना, सागर में भाटा आना, सूरज का तपना, आपके लिए हो सकता है कि यह गर्मी है, कुदरत के लिए नहीं है। जो आपके लिए बाढ़ होती है वह कुदरत के लिए बाढ़ नहीं होती, वह अपने नियम के अनुसार चलती है। इंसान प्रकृति के नियमों के अनुसार ढल नहीं पाया, उसने प्रकृति के समानांतर अपनी सत्ता खड़ी करने की कोशिश की और वहीं वह घाटे में गया। प्रकृति के हम साथ होते, प्रकृति के साथ चलते तो हम भी धर्म के रास्ते से कभी नहीं हटते, धर्म पर ही चलते। प्रकृति अपने धर्म से चलती है, प्रकृति के जो नियम हैं वे उसके धर्म हैं। इंसान के जो नियम हैं कि अच्छा करना, शुभ करना, वही उसका धर्म है। यह कोई आधिकारिक व्याख्या नहीं है, न ही मैं कोई आधिकारिक व्याख्याकार हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यह समझाना है कि धर्म को आप इस दृष्टि से समझें। इस दृष्टि से समझेंगे तो दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन धर्मों की मूल व्याख्या आपको इसी तरफ लेकर आएगी। और यदि वह मूल व्याख्या आपको इस तरफ लेकर नहीं आती है तो फिर वह धर्म नहीं है, फिर या तो वह मत हो जाएगा या वह कोई संप्रदाय हो जाएगा। धर्म तो एक ही है, पूरे विश्व का, पूरी प्रकृति का, पूरे ब्रह्मांड का एक ही धर्म है। और कहने वाले अपने विचारों को, अपनी पुस्तकों को, अपनी जीवन पद्धति को अपना धर्म कह देते हैं और उसके लिए हट करते हैं, उसके लिए लड़ते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इतनी सी बात समझ लीजिए कि जिसका स्वाभाविक रूप से औचित्य सिद्ध होता हो,
जैसे सूरज का तपना उसका औचित्य सिद्ध करता है, पानी का बहना उसका औचित्य सिद्ध करता है, किसी स्त्री का माता बनना उसका औचित्य सिद्ध करता है, धरती से पौधे का निकलना उसका औचित्य सिद्ध करता है, ऐसे ही इंसान का अच्छे की ओर बढ़ना उसका औचित्य सिद्ध करता है और यही उसका धर्म है। इस तरह से यदि आप बात को समझ लें तो मुझे गांधी जी पर आने में सुविधा होगी, तभी हिंदू भी धर्म है, मुस्लिम भी धर्म है, ईसाई भी धर्म है, सिख भी धर्म है, जैन भी धर्म है, वैष्णव भी धर्म है, शैव भी धर्म है, शिया भी धर्म है, सुन्नी भी धर्म है, ये सब धर्म हैं यदि वे गुड की ओर जा रहे हैं, शुभ की ओर जा रहे हैं। और जब हम इनको एक विशेष जीवन पद्धति लोगों के विशेष समूहों में बांट देते हैं तब ये संप्रदाय हो जाते हैं, तब ये मत हो जाते हैं। तो आप इस तरह से धर्म को स्थूल रूप में समझ सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा बात हो सकती है धर्म पर कि धर्म क्या है, लेकिन हमारा जो मंतव्य है वह तो गांधी जी की बात करना है ना, और गांधी जी की धर्म के बारे में क्या अवधारणा है यह समझे बिना आप गांधी दर्शन में आगे नहीं बढ़ सकते। गांधी जी राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, राजनीति के प्रति उनकी अवधारणा क्या है, यह जाने बिना आप गांधी दर्शन में आगे नहीं बढ़ सकते। और जब गांधी जी की धर्म और राजनीति के बारे में जो अवधारणाएं हैं उनको समझ लेंगे तभी तो धर्म और राजनीति के बीच में संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं सीधा सीधा इस बिंदु पर नहीं आया कि गांधी जी धर्म और राजनीति के संबंध को इस तरह व्यक्त करते हैं, और शायद वह मेरे लिए ज्यादा आसान होता, लेकिन मुझे लगता है कि वह मेरा धर्म नहीं है। मेरा धर्म यह है कि पहले मैं आपको धर्म का अर्थ समझाऊं और उसके बाद गांधी जी धर्म के बारे में क्या सोचते हैं, वे राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं वह बताऊं, और उसके बाद धर्म और राजनीति में गांधी जी किस तरह से संबंध स्थापित करके देखते हैं मैं यह बताऊं। तो शुरू करते हैं कि गांधी जी क्या कहते हैं अपने धर्म के बारे में, वे धर्म किसको मानते हैं, यह एक प्रश्न है। देखिए, गांधी जी ने कहा कि धर्म के संबंध में मेरी जो अवधारणा है, मेरा जो धर्म से आशय है वह हिंदू धर्म से नहीं है। यद्यपि मैं हिंदू धर्म को सब धर्मों से अधिक आदर देता हूं, लेकिन मेरा जो धर्म है, धर्म के प्रति मेरी जो दृष्टि है वह तो हिंदू धर्म से भी परे है। मैं समझता हूं कि गांधी जी का कहना यह था कि यदि धर्म के प्रति मैं अपनी दृष्टि हिंदू धर्म तक सीमित कर लूंगा तो मनुष्य की प्रकृति में आई हुई जो कमियां हैं वे खाली हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों तक ही सीमित होकर रह जाएंगी और मुझे पूरी दुनिया के मनुष्यों को एक दृष्टि से देखना है, इसलिए मेरा जो धर्म है गांधी जी के अनुसार वह हिंदू धर्म से बढ़कर है, हिंदू धर्म से आगे है।
मैं उस धर्म को मानता हूँ जो हमें अपने भीतर के सत्य से एकाकार कर देता है। हम यह जानते हैं कि यह काम करना गलत है और उसके बाद भी हम वह काम करते हैं। एक रिश्वत लेने वाला व्यक्ति जानता है कि वह गलत कर रहा है, उसके बाद भी वह कर रहा है, क्यों? कि वह अपनी प्रकृति के विपरीत जा रहा है। और इस प्रकृति के विपरीत जाने को जो रोकता है वही तो धर्म है। आप पानी को ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आएगा, आपके पास एक गेंद है उसको आप ऊपर उछालेंगे वो नीचे आएगी। गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि नीचे आएगी। जब तक आप उस पर कोई अतिरिक्त बल लगा के और उसको पार ही नहीं करा दें, वह अंतरिक्ष में जाके कहीं स्थापित नहीं हो जाए, तब तो बात अलग है, तब हमने अतिरिक्त बल लगाया ना, नहीं तो वह नीचे ही आए। तो उसके विरुद्ध चलना अधर्म की ओर चलना है। अब क्या एक बार में सब ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, उसका निरंतर परिष्कार होना चाहिए व्यक्ति का। वो शुभ की ओर न बढ़ने के बजाय अशुभ की ओर जाएगा, और उस अशुभ की ओर जाने पर रोक लगे और शुभ की ओर जाने की प्रेरणा मिले, ऐसे धर्म को गांधी जी मानते थे। और उन्होंने भी कहा कि भाई धर्म है वो मानव की प्रकृति का स्थायी तत्व है, और एकदम सरल सी बात यह है कि धर्म है वह इंसान को, वह मनुष्य को अपने सृष्टा से मिला देता है, एकाकार कर देता है। वह जान लेता है कि मैं इस कुदरत का एक बहुत छोटा अंश हूँ और इसी में मुझे मिल जाना है। तो उन्होंने कहा कि धर्म से मेरा आशय औपचारिक धर्म या प्रथागत धर्म नहीं है, बल्कि धर्म से तो मेरा आशय उस धर्म से है जो सब धर्मों का मूल है और जो हमारे सृष्टा से हमारा साक्षात्कार करवा देता है। गांधी जी पर एक पुस्तक लिखी गई थी जे जे डॉक द्वारा 1909 में, एम के गांधी एन इंडियन पेट्रियट इन साउथ अफ्रीका, और उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि गांधी जी कहते हैं कि धर्म से मेरा आशय औपचारिक धर्म या प्रथागत धर्म से नहीं है, बल्कि उस धर्म से है जो सभी धर्मों का मूल है और जो हमारे सृष्टा से हमारा साक्षात कराता है। तो यह धर्म के बारे में गांधी जी की स्पष्ट दृष्टि है। यंग इंडिया में लिखा उन्होंने अगस्त 1920 में कि मेरे धर्म की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। यदि मेरी वास्तव में धर्म में आस्था है, वो लिखते आगे कि यदि मेरी उसमें जीवित आस्था है तो वह मेरे भारत प्रेम से भी आगे बढ़ जाएगा। तो जब हम अगली बार मिलेंगे तब भी हम गांधी जी के धर्म की अवधारणा को समझेंगे, और उसके बाद मिलेंगे तब उनकी राजनीति की अवधारणा को समझेंगे, और उसके बाद मिलेंगे तो धर्म और राजनीति के बीच गांधी जी की दृष्टि में हम एक संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्ते।